नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ई मित्र क्योस्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व जरूरी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों ई मित्र क्योस्क का जो जास कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़ी हुई है कुछ है। ई मित्र क्योस्क के लिए एक शानदार ऑफर है जिसके तहत वो नए ई मित्र क्योस्क खोल सकते हैं, तो ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो पूरा देखे जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पहली अपडेट क्या है। पहली अपडेट ये है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे ई मित्र क्योस्क को बंद किया गया है जिसके अंदर जो जास कार्य के अकॉर्डिंग जो उसके नियमों के अनुसार जैसे कि रेड लिस्ट, बैनर वगैरह, सर्विस पुस्तिकाएं वगैरह हो गई, उन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उन ई मित्र क्योस्क को बंद किया गया है। बहुत सारे ई मित्र क्योस्क बंद हो गए हैं ऑलरेडी, 7 से 10 ई मित्र क्योस्क ऐसे हैं जिनको बंद किया गया है। तो ये अपडेट देनी थी और उसका कारण एक ही था कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। ई मित्र क्योस्क जो जास कार्यक्रम चल रहा है जनवरी माह में, उस नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया। जांच कार्यक्रम क्या है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों उस जांच कार्यक्रम के अंदर एक जानकारी मैंने आपको नहीं दी थी कि ई मित्र क्योस्क पे जो ई मित्र का जो प्रमाण पत्र होता है वह भी लगाना अनिवार्य होता है। ई मित्र का प्रमाण पत्र किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके आप ई मित्र का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक शानदार ऑफर है, दूसरी अपडेट यह है कि जितने भी ऐसे गांव जिसके अंदर 1000 से अधिक आबादी है वहां पे सरकार ने तय किया है कि ई मित्र क्योस्क खोले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे गांव है 1000 से अधिक आबादी वाले, लिस्ट भी जारी हुई है, जिसके अंदर ई मित्र क्योस्क खुले हुए नहीं है, तो आप भी किसी भी LSP से कॉन्टेक्ट करके ई मित्र क्योस्क ले सकते हैं। तो ये एक शानदार मौका है, जो भी बंदा ई मित्र क्योस्क खोलना चाहता है तो 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों के अंदर ये ई मित्र दिए जा रहे हैं। और दोस्तों तीसरी अपडेट ये है कि VOMO द्वारा आयोजित RSCIT एग्जाम का जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे आपको सबसे नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके ओपन करके आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।